सो हे व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो गाइज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ गाइज, फुल HD हाई क्वालिटी में फेस स्मूथ करना सिखाने वाला हूँ गाइज। तो फुल वीडियो वॉच कीजिए, आज का वीडियो काफ़ी बवाल होने वाला है, तभी आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिट कर पाइएगा, फुल वॉच कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी एडिटिंग के रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइज। ओके गाइज, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, तो अभी आ चुका है हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे। तो यहाँ सबसे पहले गैलरी को ओपन कर लेना है। गैलरी को ओपन करने के बाद हमें जिस फोटो को एडिटिंग करना है उस फोटो को डायरेक्ट शेयर कर लेना है अपने स्क्रैच बुक एप्लीकेशन के अंदर। ओरिजिनल पिक को अपने स्क्रैच बुक के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा ये फोटो हो रहा है शेयर स्क्रैच बुक एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज, तो हमारा फोटो आ चुका है स्क्रैच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ सिंपली देख सकते हो कितना ब्लैक फोटो है। तो यहाँ से सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, और ये जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और सॉफ्ट लाइट को पे क्लिक कर देना है, और इसे ऑपसिटी को फुल 100 ही रखना है, और ये बिंदु वाले आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और ये जो ब्रश दिख रहा है मीडियम ब्रश इसे सेलेक्ट कर लेना है, और सेटिंग पे जाना है और साइज़ को अपने हिसाब से रख सकते हैं। ऑपसिटी को फुल रखना है और साइज़ को हम 30x30 के आसपास में रख लेंगे, और फोटो को जूम करेंगे और इस फेस पे अप्लाई करेंगे। देख सकते हो आप लोग कितना वाइट हो रहा है, फेस पर अप्लाई करेंगे बस। और वीडियो को हम फास्ट कर दे रहे हैं थोड़ा, आप लोग आराम आराम से कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आराम आराम से आप लोग कीजिएगा बस फेस पे अपना, ताकि अच्छे से एडिटिंग हो पाए। और गाइस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से एडिट कर पाइएगा कुछ इस तरह से हार्ड स्मूथ। सो गाइज, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीका से हमारे फेस पे लाइट आ चुका है गाइज। तो आप लोग को यहाँ से फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है तो इसे 100 ही रखना है, अगर थोड़ा ही ब्लैक है तो इसे कम ज़्यादा कर अपने हिसाब से रख सकते हैं गाइज। तो हम इतना रख लेते हैं 19 के आसपास, और इसे 19 के आसपास में रख लेंगे, और डायरेक्ट इसे हम सेव कर लेते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ से सेव कर लेना है अपने फ़ोन में। सो गाइज, तो सिंपली यहाँ से आ जाना है, अपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो हमारा लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद हमें जिस फोटो को अभी स्क्रैच बुक में एडिटिंग किए थे उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइज, तो यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंट्रास्ट को प्लस में इंक्रीज कर देना है, और हाइलाइट्स को माइनस में इंक्रीज कर देना है, और फिर से आ जाना है इस वाले ऑप्शन पे, सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और सिचुएशन को माइनस कर लेना है। आप लोग जितना माइनस कीजिएगा उतना फेस पे आपको वाइट होगा, तो आप लोग को जितना अच्छा लगे उतना वाइट रख सकते हैं आप लोग। और फिर से ये फर्स्ट वाला आइकन दिख रहा है इस पर आ जाना है, और ह्यू को माइनस करना है और सिचुएशन को प्लस करना है, इससे आपके होठ पे कलर आ जाएंगे गाइज, और लुमिनस को थोड़ा बढ़ा लेना है। आप लोग देख सकते हो हमारे होठ पे कितना कलर अच्छा आ चुका है। यहाँ से डन कर देना है। यहाँ से डन करने के बाद हमें डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर लेना है अपने स्क्रैच बुक एप्लीकेशन के अंदर। फिर से शेयर कर लेना है स्क्रैच बुक एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग हमारा फोटो आ चुका है फिर से स्क्रैच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से बिंदु वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और अपने ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आर्टिस्ट वाला बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और ये वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है इसे, और सेटिंग पे क्लिक कर देना है, और फॉलो को 5 रख लेना है, और स्ट्रेंथ को 10 रख लेना है, और साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना है, और फेस को जूम कर लेना है, फुल जूम कर लीजिएगा आप लोग, और आराम आराम से हल्की हाथों से आप लोग आराम आराम से फेस स्मूथ कीजिएगा। देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा हार्ड फेस स्मूथ हो रहा है गाइज, बहुत ही अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है गाइज। तो आप लोग आराम आराम से कीजिएगा, तभी अच्छे तरीका से फेस स्मूथ होगा। तो
गाइस वीडियो को हम फास्ट कर दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को हम फास्ट कर दे रहे हैं थोड़ा।